सो आज के दिन पे ना इंडियन गवर्नमेंट को ना हॉलीडे घोषित कर देनी चाहिए जवान के नाम पे, क्योंकि आज के दिन पे ना पूरा इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि आज के दिन पे पूरा इंडिया ना सिर्फ जवान देख रहा है। सो यही वजह है कि ये फिल्म ने अपने पहले दिन पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन करा है। मैं तुम लोग यहाँ ये नहीं बताऊंगा कि पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, देन गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, नहीं भाई, इन सब फिल्मों से कहीं गुना आगे ये फिल्म निकल चुकी है। जवान ना अब रिकॉर्ड तोड़ नहीं रही है, ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है यार। जब भी तुम लोग को पता चलेगा ये फिल्म आज के दिन पे कितना कलेक्शन कर रही है, तुम लोग झूम जाने वाले हो। सीरियसली जितने भी किंग खान के फैंस हैं, शाहरुख खान के फैंस हैं, सब भंगड़ा करने वाले हैं। तो चलो फिर एक एक चीज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया से ये फिल्म कितना कलेक्शन कर रही है, इंडिया से बाहर ये फिल्म कितना कलेक्शन कर रही है, और इसके साथ साथ ये फिल्म का बजट कितना है, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है। सारे लोग कलेक्शन में बात करते हैं बट बजट कोई नहीं बताता है, बट मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि ये फिल्म का कितना बजट है, ताकि तुम लोगों को भी क्लियर हो जाए कि अपने फिल्म को और इतना कलेक्शन करना होगा हिट होने के लिए। इसके साथ साथ हम लोग टोटल इसके स्क्रीन पर भी बात करेंगे कि इंडिया में इस फिल्म को कितने ज्यादा स्क्रीन मिले हैं, इसके साथ साथ ओवरसीज में ये फिल्म को कितने स्क्रीन मिले हैं, सारी चीज को तुम्हारा भाई कवर करने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को प्रॉपर तुम लोग लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक जो भी वाले चैनल को नहीं सब्सक्राइब करो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तो बैक टू पॉइंट, आते हैं जवान के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। बट उससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं ये फिल्म के बजट को लेके, ये फिल्म का बजट है, मींस जवान मूवी का बजट है 300 करोड़, मींस 300 करोड़ में ये फिल्म को बनाई गई है, और ये फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 350 करोड़ का कलेक्शन करना होगा। बट यहाँ मैं तुम लोगों को बता दूं ये फिल्म रिलीज से पहले ही अपने सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल राइट्स, म्यूजिक राइट्स बेच के ही 250 करोड़ का कलेक्शन कर लिया हुआ। तो अभी ये फिल्म को ना हिट होने के लिए ना जस्ट 100 करोड़ का कलेक्शन करना बचा हुआ है, और आज के दिन पे भाई ये फिल्म 100 छोड़ो भाई, इससे कहीं गुना ज्यादा कलेक्शन कर रही है। बट उससे पहले हम लोग बात करते हैं ये फिल्म को स्क्रीन्स कितने मिले हैं इंडिया में और इंडिया से बाहर। ये फिल्म को इंडिया से बाहर स्क्रीन्स मिले हैं 4500, देन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में इस फिल्म के स्क्रीन्स मिले हैं 5500, मीन्स टोटल स्क्रीन्स होते हैं इंडिया और ओवरसीज के मिला ले तो 10,000। तो ये स्क्रीन्स काफी ज्यादा है, इतने ज्यादा स्क्रीन्स पे ना यह फिल्म ने कलेक्शन भी बहुत ज्यादा करा हुआ है। ओवरसीज से यह फिल्म का कलेक्शन आ रही है 45 करोड़ का। इससे ही मजे की बात यह है कि 45 करोड़ का नेट कलेक्शन बताई जा रही है। इससे एक चीज तो भाई क्लियर पता चल रहा है, इंडिया से बाहर अगर किसी एक्टर की सबसे तगड़ी वाली फैन फॉलोइंग है तो वो है अपने शाहरुख खान की। यहां मैं तुम लोगों को बता दूं, अभी हम लोग नेट कलेक्शन बात करेंगे, देन लास्ट में तुम लोगों को बता दूंगा ये जितने भी नेट कलेक्शन है इसका कितना ग्रॉस कलेक्शन हो रही है। अब बात करते हैं इंडिया से ये फिल्म का कितना कलेक्शन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अपने तमिल लैंग्वेज से, क्योंकि ये फिल्म तमिलनाडु में भी काफी अच्छा खासा माहौल बना के रखा है। तमिलनाडु में भी लोग काफी ज्यादा इस फिल्म को प्यार दे रहे हैं, काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तमिलनाडु से ये फिल्म 5 करोड़ का नेट कलेक्शन कर रही है, और ये ना बहुत बड़ी चीज है। एक चीज और मैं तुम लोग को बता दूं ना, जितनी ही बॉलीवुड की फिल्में साउथ साइड में लगती हैं ना, सब फिल्मों का मैक्सिमम कलेक्शन होता है पहले दिन पे 1 करोड़, मैक्स टू मैक्स 2 करोड़ होता है। बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़े स्टार की फिल्म आ रही है, तो वो सब फिल्में साउथ साइड में ना 1 से 2 करोड़ का कलेक्शन करती है। बट ये किंग खान का भाई स्टारडम है, इस वजह से अकेले तमिलनाडु से 5 करोड़ का नेट कलेक्शन करा हुआ है। देन इसके बाद अगर तेलुगु लैंग्वेज से बात करते हैं, तेलुगु लैंग्वेज से यह फिल्म 5 करोड़ का कलेक्शन कर रही है, मीन्स तमिलनाडु और तेलुगु लैंग्वेज से इक्वली कलेक्शन देखने को मिल रही है। तो यहाँ ना तुम लोग ये फिल्म को लेकर ये चीजें तो बोल सकते हो कि ये प्रॉपर बॉलीवुड की पैन इंडिया लेवल की फिल्म है। अक्सर बॉलीवुड वाले अपने फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज तो करते हैं, बट उन सब फिल्मों का ना साउथ साइड में कलेक्शन ही नहीं आता है। बट ये शाहरुख खान है भाई, हर जगह इनका स्टारडम भाई छाया हुआ है। सो बात करते हैं अपने हिंदी लैंग्वेज का क्या सीन है। हिंदी लैंग्वेज से ये फिल्म का कलेक्शन आ रही है 65 करोड़ का, और ये कलेक्शन नेट कलेक्शन है। टोटल इंडिया से ये फिल्म का कलेक्शन आ रही है 75 करोड़ का, और ओवरसीज से ये फिल्म का कलेक्शन आ रही है 45 करोड़ का। अगर ये दोनों कलेक्शन को हम लोग एड ऑन करते हैं तो होता है 120 करोड़ का नेट कलेक्शन। 120 करोड़ का अगर हम लोग ग्रॉस कलेक्शन निकालते हैं तो इसका ग्रॉस कलेक्शन होता है 144 करोड़, मीन्स जवान अपने पहले दिन पे 144 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हासिल करा हुआ है। यहाँ एक चीज और मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, ये कलेक्शन ना लगातार धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इस फिल्म के लिए दीवानगी ना लगातार लोगों में बढ़ता जा रहा है। बाकी तुम लोग बता तुम लोग इस पर क्या कहना है, कितने ज्यादा खुश हो यार कि शाहरुख खान की जवान मूवी बॉक्स ऑफिस को फाड़ के रख रही है। अपना ओपिनियन तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ ये वीडियो तुम सबको जरा भी पसंद आया प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करो तो प्लीज भाई चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करना। सो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।